विकासखंड डिंडोरी अंतर्गत ग्राम बिछिया में विगत दिनों लंबे इंतजार के बाद आंगनबाड़ी भवन के उद्घाटन के बाद केंद्र का संचालन शुरू होने से ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। वहीं ग्रामीण मनमोहन का कहना है कि आंगनबाड़ी भवन न होने से कब से आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन यहाँ वहाँ किराए के भवन में किया जा रहा था, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में तो समस्या होती ही थी, साथ ही आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों को भी आने जाने में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। आज आंगनबाड़ी भवन के उद्घाटन के बाद नए भवन में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन होने से बहुत ही खुशी की अनुभूति होती है और अब आंगनबाड़ी केंद्र में अध्ययनरत बच्चों को भी एक निश्चित स्थान पढ़ने के लिए प्राप्त हो गया है। आंगनबाड़ी केंद्र उद्घाटन कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सरैया, सरपंच ग्राम पंचायत सिमरिया राममिलन परमार, सचिव रमेश कुमार राठौर रोजगार सहायक बोधराम सरैया, जिला महामंत्री युवा मोर्चा अनुसूचित जनजाति मामले एवं ग्रामीण मौजूद रहे। आपका क्या नाम है? मनमोहन सिंह राठौर। आप कौन से ग्राम के निवासी हैं? ग्राम पंचायत सिमरिया बिछिया। ग्राम पंचायत बिछिया के निवासी हैं। कौन से ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है? सिमरिया। सिमरिया। अच्छा, ये आंगनबाड़ी केंद्र जो बना है, इसका निर्माण कब हुआ था? विगत 2 वर्षों से चल रहा है। 2 वर्षों से निर्माण पूर्ण कितने दिन हो गए? करीब 3-4 माह। 4 माह। अच्छा, आज कौन सा कार्यक्रम रहा है यहाँ पे? उद्घाटन कार्यक्रम। उद्घाटन, तो इससे आपको कैसा लगा उद्घाटन? अच्छा लगा, लड़कों का भविष्य बनेगा। या कोरोना काल में तो ऐसे ही भविष्य खराब हो रहा था, पर आंगनबाड़ी लगने से छोटे छोटे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। सुधर जाएगा। चलिए, यहाँ कौन कौन से ग्राम से विद्यार्थी आते हैं? सिमरी सरहरी भागदो और सिमरी ग्राम पंचायत बिछिया। अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र कौन सा क्रमांक है? 1। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।